नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। घिनौनी करतूत है, घिनौनी शब्दों में उनका उनके ऊपर आरोप लगा करते हैं। हम निश्चित रूप से उनका सुख दुख अभी मिला कुछ है सुपर वॉरियर अध्यक्ष की बात करके आए। हमारे यहाँ बात करने की सिक्किम है, हमारे यहाँ यूनिट्स है, हमारे यहाँ उतने नेता अवेलेबल है, हमारे पास विधायक सांसद सारे बात करते हैं हमारे ग्रुप के अध्यक्ष के साथ। हमारे अप्रोच है, उनके यहाँ कोई अप्रोच नहीं, कोई बात करता नहीं है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता किधर किधर हो चुके हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साथ देने के लिए कोई भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। हमें एक एक आदमी को जोड़ना है, व्यक्ति वहां क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमारे विचारधारा हमारे संस्कार के आधार पर काम करना पड़ेगा। विचारधारा और संस्कार के आधार पर कोई काम करता है, कल क्या हुआ पॉइंट मुझे नहीं मालूम किसी का। रोज व्यक्ति का विचार बदलता है, लेकिन विचारधारा पक्की चाहिए। कुछ इसका क्या संबंध आता है, कल आप कांग्रेस पार्टी में थे, आपको नहीं पटे विचार। मोदी जी के विकसित भारत के लिए कोई साथ देने को तैयार है तो मैं पार्टी में उसको लेना चाहूंगा, जो भी आता है उसको लेना चाहूंगा। हमारी पार्टी हमको बढ़ानी है, हमको हम तो कोई सन्यासी नहीं है, हमको पार्टी बढ़ानी है। कर्नाटक में यही कहा था, कर्नाटक मध्ये हे बोलले होते, कर्नाटक मध्ये घरोघरी जाऊन एफिडेविट घेतले, एफिडेविट दिला लोकांना, आम्ही हे करू, आम्ही अन्न, आम्ही हे फ्री देऊ, आम्ही ते फ्री देऊ, वीट फ्री देऊ, अन्न फ्री देऊ, सारा फ्री देऊ। जनतेला एफिडेविट दिला काँग्रेसने घरोघरी जाऊन, फॉर्म भरले लोकांचे। आज कर्नाटक मध्ये बघा काहीच दिला नाही, पुन्हा एकदा खोटेपणा करतील, मत घेण्याकरता खोट सांगतील, करणार काहीच नाही। आणि त्यामध्ये माहिती आहे, अब की बार त्यासो बार फिर एक बार मोदी सरकार ये होने वाला है। इसलिए जो भी आश्वासन दे रहे जे ते आश्वासन देतात आहे हे पुन्हा खोटं आश्वासन देतात। नितीनजी संघटनेला उंची दिली आहे, नितीनजी जेव्हा उमेदवार आहेत त्यांना मानणारा एक वर्ग आहे वेगळा, जो दास जात धर्म पंत याच्या आधाराच्या वेगळा आहे। त्यामुळं त्यांनी व्यक्तिगत मत मांडलं आहे, पण नितीनजींच्या आतापर्यंतच्या जीवन कार्याचा विचार केला तर पक्षाची उंची ही नितीनजींनी फार वाढवलेली आहे, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं काही असे स्टेटमेंट आले तर ते व्यक्तिगत स्टेटमेंट आहे तसं विचार करू। उद्या साधारण आम्ही नेहमीच प्रयत्न केला आहे की मोहित परिवाराला सोबत ठेवण्याकरता, त्यांचा परिवाराचा मान सन्मान राजकीय उंची हे मोहिते परिवाराला जेव्हापासून भाजपमध्ये आहे तेव्हापासून उंच करण्याचा प्रयत्न केला आहे। काही गैरसमज झाले आहेत, ते गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न होईल। उद्या किती इनकमिंग होणार आहे टोटल महाराष्ट्रात? उद्या टोटल महाराष्ट्रात इनकमिंग किती? प्रत्येक बूथवर 30 ते 40 कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षाचे, प्रत्येक बूथवर 77,000 कोटीला जे काही तुम्ही ठरवलं आहे त्यानुसार 3-4 लाख कार्यकर्ते भाजपमध्ये येतील। आणि त्यात काही मोठे चेहरे? मोठे चेहरे विचार, जसं जसं मोदींचं वादळ, मोदींच्या प्रचाराचं वादळ जसं जसं महाराष्ट्रात चालू होईल, आता मोदीजी 8 तारखेला चंद्रपूरला आहेत 5 वाजता, मोदीजी 10 तारखेला 5 वाजता चन्नारमध्ये रामटेक लोकसभेत आहेत, पश्चिम विदर्भातही मोठ्या प्रमाणावर सभा आहे मोदींच्या, जसे जसे मोदींची सुनामी महाराष्ट्रात येईल तसे तसे तुम्हाला अजून काही मोठे पक्षप्रवेश झाले दिसतील।
रामटेक आणि नागपूरची सभा रामटेकमध्ये आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूरची सभा चंद्रपूरला आहे. दोन लोकसभा साधारण जोडलेल्या आहेत. आम्ही विनंती 14 सभांची केली आहे. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, लेकिन वो सीट एकनाथ शिंदे जी के पास. 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी. कल 6 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अध्यक्ष और हमने 31,925 कार्य नेताओं को स्थापना दिन के इस हमारे शुभ दिवस पर बूथ पर जाकर झंडा वंदन करना, ये 4 कार्यक्रम हम कर रहे हैं. मुझे विश्वास है हर बूथ पर 40-50 दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कल आएंगे, मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साथ देंगे. महाराष्ट्र में 3-4 लाख कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करेंगे, ऐसा मुझे लिखता है. मैं चले ही बता पाऊंगा शाम को कि कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी में प्रवेश किया है. देवेंद्र जी खुद सुपर वॉरियर है. 2 बूथ पश्चिम दक्षिण के 5 नंबर और 6 नंबर बूथ पर देवेंद्र जी 3 घंटा रुकने वाले हैं और 3 घंटे में 50 घरों में जाकर नमस्कार कर मोदी जी का नमस्कार 50 घरों में जाकर नमस्कार करने वाले हैं. नितिन जी भी कल मध्य नागपुर के बूथ पर जाएंगे. मैं भी कल कार्तिक विधानसभा के 28 और 29 नंबर बूथ पर 3 घंटे रहने वाला हूं. और अपने जो बड़े नेता हमारे सारे सांसद, हमारे सारे विधायक जो सुपर वॉरियर है, ये सारे सुपर वॉरियर हमारे केंद्रीय मंत्री, स्टेट के मंत्री, सारे लोग कल बूथ पर जाने वाले हैं. 33,500 कार्यकर्ता जो प्रमुख नेता है हमारे पंचायत से पार्लियामेंट और तालुका अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक, ये सारे नेता कल बूथ पर होंगे और हम सारे बूथों पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे. ये कल का हमारा स्थापना दिन का कार्यक्रम है और साथ साथ में 9 तारीख को गुड़ी पड़वा है. विकास की गुड़ी, ऐसा हम एक संकल्प कर रहे हैं और वो विकास की गुड़ी इस नाम पर महाराष्ट्र में हर बूथ के ऊपर महिला मोर्चा, हमारी महिला है ये गुड़ी, जो विकास की गुड़ी है ऐसा, और सारे लोगों को साथ बातचीत करके शुभकामनाएं देगी. 11 तारीख को महात्मा फुले जी की जयंती है. हर बूथ पर महात्मा फुले जी को वंदन करके हमारे बूथ के 50-60 कार्यकर्ता एक साथ आकर घर से टिफिन लाएंगे, घर घर से टिफिन लाएंगे, कोई भी एक जगह खाना नहीं बनाएगा. मैं भी 28 नंबर बूथ पर टिफिन बैठक लूंगा, देवेंद्र जी भी लेने वाले हैं. सारे बूथों पे टिफिन बैठक होगी और बाद में हम हमारी जो वहां की वोटिंग लिस्ट है उसका भी अध्ययन करेंगे, कौन सा वोट कहां पर है उनके पास भी जाएंगे. और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है. कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार समाज के मन में कंफ्यूजन की राजनीति की है. कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के आधार पर जीना चाहती है और जीती आई है आज तक. फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे. हम कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहते हैं. मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, संसद में जब वो गए पहली बार तो माथा टेक कर गए. पहले प्रधानमंत्री माथा टेक कर गए थे संसद में, देश के इतिहास में.
और उन्होंने संविधान को गीता पुराण बाइबल के ज्यादा, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, इसके साथ हम संविधान को हाथ में लेकर विश्व का सबसे अच्छा देश भारत बनाएंगे, ये मोदी जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी संविधान ही बदल देगी ये बातचीत कर रही है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हर बूथ पर होगी, 97,325 जगह पर होगी, ये हमने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है चुनाव का, और हमने जो संगठन खड़ा किया है अनेक सालों से 1980 से, ये संगठन इतना मजबूत है। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19, देश की आवाज, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।